नोटिफिकेशन पाए पर हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। पहली बात तो ये है कि जो संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री क्या दायित्व है वो धारा 167 में दिया गया है। 167 ख में जो उल्लेख है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, ये स्टेज पार हो गया है। ये यदि कैबिनेट तक रहता, मंत्रिमंडल तक की बात रुकता तब तो ये फल लागू होता है, लेकिन जैसे विधानसभा में प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी विधानसभा को गई और विधानसभा में जो बिल पारित हुआ वो सीधा राज्यपाल के पास जाता है और उसमें जो लागू होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। इसमें तीन ही स्टेज है, या तो वो विधानसभा को लौटा दे या उसे राष्ट्रपति के पास भेजे या अपने पास आरक्षित रखे। मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूँ और इसीलिए ये चूंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे, लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं जो विधिक सलाहकार है मैंने उसके बारे में यही कहा कि वो एकात्म प्रसन्न में बैठते हैं और वहीं से 10 प्रश्न आए हैं, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया, मेरे अधिकारी मना कर रहे कि साहब ये अनुच्छेद 200 के तहत गौरन होता है और इसमें सवाल कोई नहीं पूछ सकता। फिर भी मैंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे युवक युवतियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजभवन से जो सवाल आए थे उसको मैंने उत्तर दे दिया। चलो भाई उसके ये सवाल कर ही दिया है तो उसके सम्मान के लिए दे दो जवाब, लेकिन वैधानिक स्थिति वो नहीं है और जो हमारे अधिकारियों ने कहा वो बिल्कुल सही, लेकिन हठधर्मिता कि मैं जब तक के सवालों का जवाब नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो लो भाई वो कर दिए। तब भी मैं जानता था ये सवाल उत्तर देने के बाद फिर से सवाल करेगी और वही हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो चीजें राज्य सरकार और राजभवन के बीच है अब उसे प्रेस के माध्यम से प्रेस